हेलो, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। यट का इस्तेमाल करना है, आपको सिखा रहा हूँ कि यट कैसे इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। देखो, दो तरह के यट होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दो तरह के यट होते हैं। एक यट का मतलब होता है अब तक या तब तक। अगर इसका मतलब अब तक और तब तक हुआ तो ये हिंट है किसका, परफेक्ट टेंस का। मतलब अगर यट का मतलब अभी तक या तब तक हुआ तो समझ जाना कि ये सेंटेंस किस में सही होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में सही होगा। मतलब ये अगर एडवर्ब की तरह यूज होता है या यूज्ड एट द एंड ऑफ द क्लॉज, समझ जाना जैसे ही अगर यट सेंटेंस के एंड में आ गया, ये पूरा सेंटेंस है और यट सेंटेंस के एंड में आ गया, तो समझ जाना ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का हिंट है। एंड में आ गया तो, क्योंकि एंड में जब यट आता है तो इसका मतलब हमेशा क्या होता है, अब तक और तब तक। और जब जब यट मिडल में आता है, मिडल ऑफ द क्लॉज, मतलब एक सेंटेंस यहां पे है, एक सेंटेंस यहां पे, दूसरा सेंटेंस यहां पे लिखा है और इन दोनों को जोड़ने के लिए यट बीच में आ रहा है, तो ये हो गया कंजेक्शन। तो जब जब यट दो सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए आएगा, जब जब दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आएगा, तो उसका मतलब होगा फिर भी। और जब भी फिर भी होगा तो ये हिंट नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट का, ये तो किसी भी टेंस में यूज हो सकता है। अगर यट क्या आया, बिल्कुल बीच में आया। आगे हम देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने की यट के एग्जाम्पल। देखो जैसे क्या है, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अप्लाइंग, मतलब लास्ट डे है आज अप्लाई करने का। तो डिड यू अप्लाई यट, मतलब क्या आपने अभी तक अप्लाई कर दिया, जैसे यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स होते हैं, तो क्या मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या आपने अभी तक अप्लाई कर दिया। तो ये देखो यट सेंटेंस के लास्ट में आया, तो इसका मतलब क्या है, ये हिंट है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो इसको सही कैसे करेंगे, डिड तो आता ही नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो क्या आता है, हैज हैव आता है। तो इसको सही करके क्या लिखेंगे, हैव यू अप्लाइड यट। इसको सही करके हम ऐसे लिखेंगे, हैव यू अप्लाइड यट। तो वैसे क्या, आई डिड नॉट अप्लाई यट, ये एरर है, यहां पे यट ही लिखा हुआ। तो मैंने क्या बोला, जब भी सेंटेंस के लास्ट में आएगा यट, तो हमें सही कैसे करना पड़ेगा, मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई हैव नॉट अप्लाइड यट, सिंपल सा है। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देखने की कोशिश करना क्या है, टूडे इज द लास्ट डे ऑफ पेइंग बिल, मतलब आज क्या है, लास्ट डे है बिल पे करने का। तो मैंने आपसे क्या पूछा, डिड यू पे इट यट, फिर यट आ गया, यट सेंटेंस के एंड में आएगा, तो समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अभी तक, क्या आप अभी तक आपने बिल पे कर दिया, तो सीधा मैं क्या बोलूंगा, हैव यू पेड बिल यट, ऐसे यूज करूंगा मैं, ये सेंटेंस हो जाएगा गलत, क्योंकि डिड तो सिंपल पास्ट में आता है और सिंपल पास्ट में यट तो आ ही नहीं सकता, यट तो पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट की। वैसे क्या बोल रहा है, आई डिड नॉट पे इट यट, ये भी गलत है, तो क्या बोलेंगे, मैंने अभी तक बिल पे नहीं किया, तो कैसे मैं बोलूंगा, आई हैवंट, हैव नॉट को शॉर्टकट में बोलते हैं, आई हैवंट पेड बिल या इट यट, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, बिल की जगह इट भी लगा सकते हो, दोनों, ये दोनों ही सही हैं, ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा। फिर क्या है, डिड यू मीट द न्यू मैनेजर यट, देखो यट आ गया, यट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, तो सीधा क्या आएगा, हैव यू मेट, क्या आएगा, हैव, सही करके क्या होगा, हैव यू मीट की थर्ड फॉर्म होती है मेट, हैव यू मेट द न्यू मैनेजर यट। नेक्स्ट, डिड यू सी द न्यू मूवी यट, देखो यट, क्या आपने वो अभी तक नई मूवी देखी, यट फिर पहचान है, लास्ट में आ गया, तो इसका मतलब होगा अब तक तब तक, और लास्ट में यट आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, तो क्या बोलेंगे, हैव यू हैव, और क्या आता है, क्या थर्ड फॉर्म आती है, तो सी नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव यू सीन द मूवी यट। अब देखो नेक्स्ट, देखो शी इज लायर, शी इज लायर और ही इज माई गर्लफ्रेंड, ही नहीं सॉरी शी, देखो शी इज लायर। अब देखो पहला सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है, मैंने क्या बोला, जब दो सेंटेंसेस के बीच में आएगा यट, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा फिर भी, क्या होगा, क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, फिर भी। और जब यट का मतलब फिर भी होता है, देखें यहां पे देखें, जब यट का मतलब फिर भी होता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का हिंट नहीं होता, ये तो किसी भी टेंस में यूज हो सकता है। अब देखेंगे, कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की, तो यहां पे क्या है, शी इज अ लायर, मतलब वो झूठी है, मक्कार है, यट फिर भी शी इज माई गर्लफ्रेंड, फिर भी वो मेरी क्या है, गर्लफ्रेंड है, प्यार में अंधा रहता है ना आदमी। तो देखो ही
कम्स लेट, बिल्कुल सही है, ये भी प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट का है, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि येट किसी भी टेंस में आ सकता है। ही कम्स लेट, वो लेट आता है, कम्स आ गया ना, मतलब प्रेजेंट का है। येट देखो, दूसरे एक सेंटेंस खत्म हुआ, दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए येट आ गया, मतलब बीच में आ गया। येट द टीचर डज नॉट पनिश हिम, मतलब वो लेट आता है फिर भी टीचर उसको पनिश नहीं करता है, डांटता नहीं है, मारता नहीं है, पनिशमेंट नहीं देता है, सिंपल है। देखो अब क्या है, ही केम लेट, मतलब वो लेट आया, येट द टीचर डिड नॉट पनिश हिम। देखो ये प्रेजेंट का बन गया, ये भी प्रेजेंट का है, ये पास्ट का बन गया, ये पास्ट का है नहीं है, ये पास्ट का बन गया। तो येट मैंने क्या बोला, अगर कंजक्शन के तौर पे आएगा, मतलब दो सेंटेंसेस को जोड़ने के तौर पे येट आएगा, तो ये किसी भी टेंस में यूज हो सकता है। इतना उम्मीद है आपके पूरा समझ में आया होगा। ये हिंट अभी तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपके पूरा, अगर ये वीडियो समझ में आई है, येट पूरा समझ में आया है और यहां तक अगर आप पहुंचे हैं इस वीडियो के सहारे, तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो फ्री में मिलते ही रहे। तो अभी पूरे 6 महीने या 4 महीने लगातार फ्री में वीडियो आप देख सकते हैं, उसके बाद शायद ये वीडियो आपको फ्री में उपलब्ध ना हो पाए 4 से 6 महीने के बाद। तो कोशिश करिएगा आप हमारे साथ बने रहिए और 4 से 6 महीने की जर्नी आप फ्री में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हमारे साथ तय कर सकते हैं, जिससे आप अपने एग्जाम निकालने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।